हाँ जी अंसर साहब, ए कंडीशन जे ए गेट सर एक मेरा पहले ही जरा बनया बुनया हो डेंट होया हो दोबारा भाइयों ने किया वा इन फिर जरा मज़ेदार पहले तो गलत तरीके हो देखो ना इतने जगह नीवी पई है यह जे करना इतने पुटीन सी इस गेट के उत्ते ना बाकी ए गेट उत्थे पुटीन वेख के ना वो वजह तो उन्होंने फिर इधर भी माड़ा जहा मारिया चैक किया भी इधर भी पुटीन आते नहीं कितने लगने माशाल्लाह बिल्कुल साफ है कहने गेट उस बाद पीस पूस बना रहे ना इतने लाने वास्ते मेन है फॉल्ट सी मेरी गिट्टी दे देखो बिस्मिल्लाह जी मेहरबानी यह देखो यह सुराख है कहने पैनल यदि वजह तो बड़ी डिस्टर्बेंस सी मैं जलेबियां भी मिल गई खाने जो मैं रात है ना लंगर लभ भी जाता वा इधरों भी पैनल लाते इन्होंने गुलाई चेक कर लिया इन्होंने गुलाई ठीक है ठीक है बाकी पीस पूस देखो टाइम नाल काम करा लिया तो बच गए जिन होर मैं 6 महीने बरत लेंदा ना तो ये होर कंडीशन पहुँच जानी सी इतों सिलेंसर के कुंडे चुंडे सारे ये भी लिथन लग गए ने देखो थलों हूँ माशाल्लाह थोड़े जे खर्चे गड्डी बिल्कुल 0 मीटर हो जानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखो भाई जी गाड़ी की एक साइड जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। ये देखें जी, ये मेरा दरवाज़ा ये वाला और ये जगह मतलब ये खिड़की वाली जगह यहाँ से ना गाड़ी को कुछ चोट वगैरह लगी हुई थी तो ये मतलब ये एक लकीर है यहाँ तक ये डेंट था और इधर भी डेंट था तो पहले इसमें डेंट नहीं निकाला गया था सिर्फ इस पे वो पुटीन वगैरह लगा के ना इसको सेट किया गया था। अभी माशाल्लाह ये दरवाज़ा सारा इन्होंने रिपेयर किया है। ये देखिए जनाब ये गुलाई लगी है ठीक है, ये बिल्कुल बराबर ये जगह बिल्कुल नीचे ये तो देखते हैं ये बड़ा गलत काम किया होता है इन्होंने जो समझदार डेंटर नहीं होते ना उनसे ये काम सही तरह से नहीं हो पाता तो ये सर ऐसे हो गया है ऐसे हो गया। ये बाकी ऊपर मेरी गाड़ी जेन्युइन ही रहनी है, मैंने पेंट वगैरह भी नहीं करवाना है इधर क्योंकि इधर ना को मसला है छत पिलर पुलर ये वो सब जेन्युइन। ये दरवाज़ा मेरा माशाल्लाह बिल्कुल ओके है, बस ये इतना काम किया है इसका। यहाँ पे लकीरें थी दो दरवाजे को लगी हुई तो ये इन्होंने सेट किया है और ये देखिए मतलब ये कोई जो छोटे मोटे डेंट थी ना वो इन लोगों ने क्लियर कर दिए हैं तो अभी ये एक मसला है। ये इन लोगों ने तो मेरे ख्याल में देखा ही नहीं है तो मुझे ये नज़र आ रहा है तो ये एक लकीर है ये टेढ़ी है तो ये अभी मैं सेट करवाऊँगा इनसे। अभी कुछ चोट लगी हुई है तो ये बिल्कुल ये प्लेन है, कोई प्रोटीन शुटीन कुछ भी नहीं है हाथ चीज से। ये जनाब मैंने फेंडर लगाए, ये देख ये फेंडर न्यू लगाए तो इधर नीचे भी ये कुछ किया है उन्होंने दे ठीक है तो बाकी तो मेरी गाड़ी को इधर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ही नहीं ठीक है। ये अभी मैंने रिम बनवाने हैं तो इन रिम वगैरह के बारे में मुझे मशवरा दें। मेरा जो मूड है ना ये अंदर से सारा काला करवाऊं और ये जो इसका फ्रंट है ना ये मतलब इसमें मैं सिल्वर इसको टूल लगवा के या पेंट करवा के सिल्वर करूं तो क्या ऐसा ठीक रहेगा। बाकी माशाल्लाह ये साइड गाड़ी की बिल्कुल क्लियर हो गई है, अब दूसरी साइड का काम शुरू है।
मैंने एक पुरानी लाइटें ले आया हूँ, तो वो जो है ना इसमें उनसे इनकी फिटिंग बनाऊंगा। फिर जो मेरी अपनी लाइटें हैं ना वो मैं बाद में इनको दूंगा फिटिंग के लिए। पहले फिटिंग जो बनानी है ना वो उन पे बनानी है, पुरानी पे, ताकि जो मेरी लाइट्स हैं वो काफ़ी महंगी लाइट्स हैं, उनको कोई नुकसान को मसला मसाइल ना हो जाए। ठीक है जी, बस ये जी अभी कल से जो है ना इसका पेंट जॉब जो है ना इसकी वो शुरू हो जानी है। बाकी छत भी आ गई, पिलर, पापड़ियाँ, ये अभी ये फर्श के ऊपर हमने इसको काफ़ी सारी चीज़ें लगानी है, सारा कुछ इसका हैंडल करना है। आज इसको स्टार्ट करते हैं, बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, 10 से 12 दिन हो गए ने ये बंद ही है। अभी ये डैशबोर्ड इसका बाद में उतारेंगे, नमदे शमदे ये वो सारी चीज़ें, वो फिर आप दोस्तों के मशवरे के साथ जो भी होगा इसका करेंगे। ठीक है जी, ये चीज ये देखें जी, ये इतना बड़ा गिराज है। ठीक है, पेंटिंग भी यहीं से और डेंटिंग भी यहीं से, देखो सही फैसला है या गलत बाद में पता चलेगा। तो रिम भी मैंने भेजने हैं कलर करने के लिए, इनके भी बारे में मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, देखो अच्छा लगता है कि नहीं लगता। अच्छा जी, ये हो गया, ये फ्रंट से हो गया, ये फेंडर फोंडर तो अपन के बिल्कुल ही फ्रेश। यहाँ पे भी कोई कलर करवाऊंगा इस जाली को, कलर ब्लैक ही होगा साफ जाहिर है। ये गोले वगैरह निकाल दिए हैं छत के, तो वो पहले तो ये था कि छत जानवर है जी, इसको रहने देते हैं। अभी दिल कर रहा है कि यार सारी एक दफ़ा फ्रेश हो जाए, तो अभी ये बड़ा ना ये पर्ल पर्ल सा लुक आ रहा है, मैं कहता हूँ रहने ही दूँ यार ये ना हो, चलो आधा तो आता रहेगा। ये गोले शोले निकालने हैं, अभी गोले वगैरह निकाल के ये स्पेलर स्पुलर सब उतार देने हैं, अभी शुरू हो जाना है इसका पेंट वर्क कल से, पैनल वगैरह सब कुछ ओके। ठीक है, ये यहाँ से सब ये देखें डिग्गी का वक्फा, पहले जो है ना मेरी डिग्गी का वक्फा गलत था, यहाँ से ऊपर उठी हुई थी, ये खिड़की वगैरह लग गई है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें भी क्लियर है, ये देखें ये मैंने कब्ज़े जो है ना न्यू बनवाए हैं इसके, इसके ये इधर पूरा प्लेट लगा के ना इसको, ये ज़रा मैंने इसको कोशिश की है इसको अच्छा करने की ना, कि ये वाला जो है ना जंप ज़रा अच्छा लेगी और खड़केगी नहीं, क्योंकि मैंने इसको बड़ा फासला रखवा दिया है बॉडी से। ठीक है जी, ये देखें जी बम्पर की सेटिंग, ये साइड मेरी ठीक है और ये साइड जो है ना वो ठीक नहीं है, ये देख ये फर्क है थोड़ा, ये अब निकालेगा डेंटर भाई क्लियर करेगा इसको। ठीक है, अब ये दर्जे दुर्जे जो है अभी, क्योंकि जब इसके वो फिलिंग शिलिंग होगी फिर ही पता चलेगा क्या। ये देखें इधर भी वैसा ही हमने किया है, प्लेट बना के लगाई है इसको, और इसका शाख जो है ना वो नीचे कर दिया है, मतलब पहले शाख काफ़ी ना ये पीछे जाके फिट होता था, अभी थोड़ा नीचे हो गया। ये उम्मीद तो बड़ी है फ़ायदा होगा इस चीज़ का, हमने एक जो सोचा है, ये देख लीजिए बस। खड़ जावा
ये छोटा सा पीस और ये छोटा सा पीस, बाकी सिर्फ पैनल, बस सिर्फ ये साइड हो, बाकी इधर नीचे कुछ भी नहीं लगा ऐसे। अच्छा मैं कर दू रंग आया अस्तर मारे उते। अच्छा रंग ही हल्की हल्की ब्लू होने लग गए।
अस्सलाम। ये जी जो मसला आ गया था ना पेंट में, उस मसले की वजह से ये दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पे था एक मसला और ये पीछे टिक्की में था, और ये दोनों दरवाज़े इनमें मसले थे। तो अब ये दोबारा इनको क्लियर कर रहे हैं। ये लाइन जो है दोबारा फिल हो गई है, नए सिरे से बनेगी, ठीक है जी। अब ये दोबारा नए सिरे से इन्होंने पीछे ही करने लगे हो तुम। हाँ जी यार, ये देखो ना, ये चीज़, ये साइड में ना मसला था, अभी दोबारा इसको क्लियर किया है। तो अभी यहाँ पे हमने ना ब्लैक कलर मारा है इसको चेकिंग के लिए। मतलब ये जो मसले मसाइल थे ना छोटे छोटे, यहाँ पे हमने ब्लैक कलर लगा के, तो ये अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है मुझे तो। मतलब यानी कि अब ठीक है गाड़ी देखने का। अब ये यहाँ पे था मसला, यहाँ पे अभी ने ब्लैक कलर लगा के ना इसको चेक करने के लिए, ये लाइन सीधी नहीं थी, वो अभी कलर सही नहीं है। अभी ये एक पीस को कंपाउंड करने लगे हैं, वो देखते हैं कि इसकी शाइन किस तरह की आती है, फिर उसको भी देखेंगे। ये यहाँ पे ये भी सब क्लियर हो गया, और ये है गाड़ी की साइड जिसकी वजह से मसला बना था, और ये साइड ठीक नहीं थी। तो अभी भी मतलब छोटे मोटे मुझे लग रहे हैं, लेकिन ठीक है। अब ये देखने के काबिल है, गाड़ी चलने के काबिल है, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि यार इतना बुरा काम हुआ हुआ है, गुजारा हो जाएगा। तो आप लोगों की भी जो राय है वो भी कीमती है हमारे लिए, आप मुझे बताएं कि क्या ये ठीक है। अब ये वाला जो पीस है ना, इसको कंपाउंड करने लगे और चेक करेंगे, क्योंकि मेरा ना एक इरादा बन रहा है कि थोड़ा सा ये जो ब्लू कलर है ना, इसका थोड़ा ये जो ब्लैक वाली साइड पे शेड जाता है ना, मैं इसको थोड़ा लाइट कराऊं, ताकि ये ब्लू वाली साइड पे जो है ना ज़्यादा नज़र आए। ये थोड़ा सा करने का मूड है, क्या ठीक है या गलत है। मैं क्या ठीक है, बस आ रही है ना, ऐ जगह है किसी ने डाल, मैं क्या ऐ जड़ी जगह ना, ऐ जगह डाल लगी है थोड़ी, ओरी वजह के मतलब इतने तेरा जोर लगता रहा, इतने नहीं लगा, जो तू मोटर नाल लगा तो सेट हो जाना है ना, ठीक हो गया। ए जगह ठीक हो गई माशाल्लाह, सही निकल आई है, नहीं माशाल्लाह इधर जाके आएगा तो पूरी गड्डी कोई डाल नहीं हुई, और ए होने इतने तो ता ही है ना, क्योंकि इतने जोर नहीं लगा, ठीक हो गया। बाकी पास है, हां बाकी माशाल्लाह पास है, ठीक हो गया। इतना नहीं होएगा माशाल्लाह। ये ना, ये अभी एक पीस को हमने कंपाउंड लगाई है सिर्फ इसका शेड चेक करने के लिए, भी ठीक है, लेकिन ना मेरा मूड बन रहा है इसको थोड़ा ये मतलब फर्ज करो जितना आप देखे ना, ज़्यादा यानी कि गौर से देखना पड़ता है फिर पता चलता है कि ये ब्लू है, नहीं तो मतलब ऐसे ही बंदे का जहन कहता है कि यार ये ब्लैक है। तो अभी इसको अगर थोड़ा लाइट करवा देंगे ना, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि ये मतलब ब्लू नज़र आएगा, बेशक अंधेरा अभी फर्ज करें वाइट है, ये वाजे है वाइट है, ये देखें ऑरेंज है वाजे है ऑरेंज है, लेकिन ये ब्लू कलर है ब्लैक नज़र आ रहा है, गौर से देखना पड़ता है फिर पता चलता है ये ब्लू है। तो इसको थोड़ा लाइट करवा लेते हैं। ये जी माशाल्लाह गाड़ी दोबारा तैयार हो गई है रंग के लिए, अभी इसको कलर लगाने लगे हैं हम, सारा ही कर दिया हमने इसको, बस वो छत छोड़ दी है, छत छोड़ के शुरू हो रहे हैं बस, इंशाल्लाह ये सारी कर देनी है अभी, ठीक हो गया जी, बस छत नहीं कर रहे, बाकी सारी कर रहे हैं।